हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं श्रद्धा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल श्रद्धा होम लाइफ में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो वीडियो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं लंच में, तो ये है साग, जो छत पर जो गमले लगे हैं उनमें ये निकल आते हैं। और इस सीजन की ये चौथी बार साग है जो हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि गमले में जो साग निकल आते हैं उसको अगर हम तोड़ लेते हैं तो फिर वापस से उसमें दोबारा और घना साग निकल आता है। और ये नहीं कहेंगे कि ज़्यादा साग निकलता है, लेकिन हाँ बनाने भर का निकल जाता है। और आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल, वो भी लौकी वाली। और सुबह का जो काम है मेरा वो सारा निपट चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। सुबह उठकर जो बच्चों का लंच ब्रेकफास्ट होता है, टिफ़िन देना होता है, वो हम दे चुके हैं। झाड़ू पोछा भी हो गया, पौधों में पानी भी डल गए हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न है ना, तो दोनों टाइम पौधों में पानी डालना पड़ता है। और सारे पौधे छत पे हैं तो इसीलिए दोनों टाइम पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें नीचे ले आकर तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि कुछ कूलर की टंकियां हैं, बड़ी बड़ी बाल्टियां हैं, तो वो उठ नहीं सकते, तो इसीलिए उनको छत पे ही लगे रहने देते हैं, मगर दोनों टाइम पानी देना पड़ता है। तो चलिए हम बना लेते हैं दाल फटाफट से। इसमें हम काट कर डालेंगे लौकी, बच्चों के भी आने का वक्त हो जाएगा कुछ देर में, क्योंकि उनके जाने के बाद इतना काम रहता है कि समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े वगैरह धोना, उसके बाद खुद भी नहाना धोना, पूजा पाठ, तो ये सब तो फिलहाल हम कर चुके हैं। ये दोपहर का अब हम लंच तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हम बनाने जा रहे हैं दाल, वो लौकी वाली दाल हम बनाएंगे चने की। और जो लाल साग था वो हम साग बनाएंगे, उसमें हम मसूर दाल डालकर बनाएंगे, और सहजन की सब्जी। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो में। हम जो महिलाएं होती हैं घर की ना, हम लोगों का समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता है। रोज के जो काम होते हैं वो तो होते ही हैं, बाद में एक्स्ट्रा में जो काम निकल आते हैं वो सब भी हमें इसी में मैनेज करना होता है। और मैनेज करने के साथ साथ मतलब खुद का भी ख्याल रखना, कभी कभी तो क्या होता है कि हम खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। अगर घर के काम एक दो एक्स्ट्रा निकल आते हैं तो लगता है कि चलो इन काम को ही पहले ख़त्म कर लिया जाए। और ये जो हम दाल बना रहे हैं ना, ये बड़ा ही टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये चने की दाल है, इसमें हम मतलब जितना हमारे घर में बनता है उतना ही हम चना डाल लिए हैं, उसमें लौकी डाल लिए हैं आधा, और उसमें नमक हल्दी डालकर हम चढ़ा दिए हैं। और उसमें हम ना 4-5 सीटियाँ लगाएंगे, क्योंकि चने की दाल है तो जल्दी गलती नहीं है। और ये जो मसूर दाल है इसको भी हम खूब बढ़िया से धो लेंगे 2-3 पानी, क्योंकि अभी जो दाल आती है ना पता नहीं क्यों धोने से उसमें बहुत सारे गंदगी निकलते हैं, तो इसको हम इसीलिए अच्छे से धो ले रहे हैं। 4-5 पानी धो लेंगे तो फिर ये जो पानी इसमें रहेगी वो बिल्कुल साफ़ रहेगी। और इसे हम कुछ देर के लिए फूलने के लिए रख देंगे, जब तक हम साग को काटेंगे, प्याज काटेंगे, तब तक ये थोड़ी फूल जाएगी। इसे ज़्यादा फुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आधा घंटा या 10 मिनट काफ़ी है। तो ये देखिए जो छत पर से हम साग ले आए थे उसको हम खूब बढ़िया से 2-3 पानी धोकर छान लिए थे, तो इसे अब हम काट ले रहे हैं। ये साग इतना सॉफ्ट होता है ना कि आप जैसे ही कढ़ाही में डालेंगे तुरंत गल जाती है, नमक डालने के बाद तुरंत गल जाएगी। और ये देखिए साग के साथ साथ हम प्याज भी काट लिए हैं, तो चलिए अब फटाफट से हम इसको बना लेते हैं। और ये साग बहुत सिंपल तरीके से बनती है, इसे बनाने में भी कोई झंझट नहीं है। और ये देखिए दाल हमारी बन रही है, इसमें 4-5 सीटियाँ लगेंगी, तब तक तो शायद ये साग भी बन जाए। तो साग बनाने के लिए हम इसमें तेल डाले हैं और जीरा डाले हैं 1/2 चम्मच, और 2-3 मिर्च, लाल मिर्च हम टुकड़े करके डाल लेंगे। अगर आप लाल मिर्च ना खाते हो तो आप स्किप कर दीजिएगा, आप चाहें तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और तब हम डालेंगे प्याज, तो प्याज को लाल होने तक भून लेंगे।
तो ये देखिए प्याज कितनी अच्छी तरीके से भुन रही है। और ये साग ना बहुत विटामिन वाली होती है, हम तो कहेंगे कि साग हर किसी को खाना चाहिए। और ये देखिए एक तरफ दाल बन रहा है, एक तरफ साग भी हम बना रहे हैं, और थोड़े बहुत जो होते हैं चावल तो वैसे साफ ही थे, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं, तो उसे भी हम लगे हाथों देख ले रहे हैं कि उसमें कुछ हो ना, क्योंकि तुरंत हम चावल भी चढ़ाएंगे। और ये देखिए प्याज अच्छी तरीके से भून चुका है, तो अब इसमें हम साग को डाल देंगे। और साग अगर ज़्यादा भर जाए कढ़ाई ना, तो पूरी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा डाल करके उसे चला लीजिए, उसके बाद से फिर ऊपर से आप साग डाल देंगे तो बढ़िया रहेगी, नहीं तो ज़्यादा साग होने की वजह से वो कढ़ाई से बाहर गिर जाती है। और साग देखिए डालने के बाद हम इसमें मसूर दाल जो फुला कर रखे थे वो भी डाल देंगे। और मसूर दाल डालने के बाद ना ये साग आप कभी बना कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है रोटी के साथ, चावल के साथ, मतलब आप दाल ना खाकर चावल और साग को अगर आप सान कर खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे तो ये बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादातर ना मसूर दाल डालकर ही बनाती हूँ। और इसे गलाने के लिए थोड़ा हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम अच्छी तरह से ढक देते हैं और आपको हम लेकर चलते हैं अपने छत पर। आज हम ना छत पर गेहूँ सूखने के लिए डाले थे, ये देखिए कबूतरों की तबाही। हम छत पर गेहूँ जब सुखा रहे हैं ना, तो उसको हम ढक दिए हैं ताकि कबूतर नहीं लगेंगे, क्योंकि गेहूँ को बिना ढके अगर हम सुखाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि गेहूँ तो खाते ही हैं, साथ साथ उस पर गंदगी भी कर देते हैं, तो इसीलिए हम गेहूँ को ढक कर सुखा रहे थे। और गेहूँ एक दिन पहले धोए थे, आज सूखने डाले हैं, क्योंकि आज हमें पिसवाना है गेहूँ को। लेकिन देखिए क्या किए हैं कबूतर लोग, कि इन कबूतरों ने इस साड़ी में 2-3 जगह छेद कर दिया है, और छेद करके अपनी चोंच से वो गेहूँ इसमें खा रहे थे। और गेहूँ भी सूख चुका है, क्योंकि इतना तेज़ धूप अभी आ रहा है ना कि गेहूँ सूखने में वक्त नहीं लगता है। तो अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये काफ़ी तबाही मचा दिए हैं, तो अब इस गेहूँ को हम समेट लेंगे। अब देखिए इसमें कैसे कपड़े में ये छेद कर चुके हैं। और कबूतरों के आने का कारण है क्योंकि छत पे ना अभी हम फिलहाल पानी रख देते हैं, चावल के जो महीन बारीक दाने होते हैं वो रख देते हैं, ताकि अभी उन्हें खाने को कुछ मिल जाए। पानी रख देते हैं, कूलर की टंकी एक है वैसी वेस्ट पड़ी हुई है, उसमें भी पौधे लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन उसी में हम पानी भर देते हैं। तो ये देखिए इनका दाना पानी यहाँ हो चुका है, तो अब हम इसे समेट के रख दे रहे हैं, क्योंकि हम रहेंगे तब तक तो वो पानी पियेंगे नहीं, और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो हम गेहूँ को हटाने के बाद ये देखिए ईंट भी हटा दे रहे हैं, अगर ईंट नहीं हटाएंगे ना तो शाम को जब हम आएंगे तो वापस से यही पैर में लगते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से साग ये पक चुका है, और हमारी दाल भी हो गई है। तो हम दाल को फ्राई करने के लिए, छौंक लगाने के लिए कलछी में हम तेल डालकर थोड़ा लहसुन की 2-4 कलियां डाल दिए हैं। आज हम नॉर्मल सिंपल दाल बना रहे हैं, फ्राई नहीं करेंगे, बस छौंक लगाएंगे। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब, और 2-3 लाल मिर्च के टुकड़े। और ये दाल सिंपल तरीके से ही मगर बहुत अच्छी लगती है। तो ये दाल भी बन चुका है, साग भी हो गए हैं, तो अब हम फटाफट से चढ़ा लेंगे चावल। और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम बस 1/2 घंटा बचे हैं बच्चों के आने में, तो फिर बच्चे आ जाएंगे तो जो शांति घर में थोड़ी बहुत दिख रही है वो भी नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ वजह से वो लोग खुद में ही थोड़े बहुत लड़ाई झगड़ा करेंगे, कुछ थोड़े परेशान करेंगे, बड़ा ही चिल्लम चिल्ली मच जाता है। अभी तो गर्मी की छुट्टियां होने वाली है, तो उन लोगों की तो तबाही लगी ही रहती है। तो चलिए हम चावल को भी चढ़ा ले रहे हैं, चावल में ज़्यादा नहीं, बस 1 सीटी लगाएंगे और ये चावल हमारी पक जाएगी। तो आज का ये लंच तैयार है, और लंच में आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ नहीं बना है, लेकिन हाँ जो भी बना है रोज़ के खाने के लिए, जो बेसिक सी चीज़ें हम रोज़ बनाते हैं नॉर्मली, ये वही है, दाल चावल। और चावल ये देखिए इतना अच्छा तरीके से बन गया है। और सहजन की सब्ज़ी हम बनाए थे सुबह नाश्ते में,
बच्चों को तो भिंडी का भुंजिया दिए थे पराठे के साथ, भिंडी का भुंजिया, लेकिन बाद में फिर सहजन की सब्जी भी बनाए थे। तो सहजन की सब्जी है, लाल साग है, दाल है, चावल है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी और हाँ बिल्कुल पौष्टिक वाले खानी है ये। ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो सेहत को नुकसान हो। और खाना खाने के बाद दोपहर में थोड़ी देर आराम करने के बाद, बच्चे अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं तो छत पर से ये गेहूँ हम ले आए हैं, तो इसे भी बिन फटक ले रहे हैं क्योंकि आज के आज ही इसे पीसने को देना है। वैसे गेहूं धोने के बाद तो बहुत गंदगी निकल जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत ना हमें बिन चुनकर ही देना चाहिए कि कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो निकल नहीं पाते हैं। तो अभी शाम का समय है तो रोशनी है, तो इसीलिए हम फटाफट से बिन चुन ले रहे हैं, चाल ले रहे हैं, फटक ले रहे हैं। तो इसे हम फटक के चाल कर बोरे में भर के रख देंगे तो ये शाम को पिसने चली जाएगी। और ये देखिए शाम के समय मार्केट से सब्जी भी खरीद कर ये ला चुके हैं। और आज सब्जी में क्या आया है, प्याज है, टमाटर है। तो हम प्याज को निकाल लेते हैं क्योंकि प्याज भी ख़त्म हो गया था, आलू भी ख़त्म हो गया था, तो शायद आलू नहीं आया है। तो कोई बात नहीं, हम करेला लौकी जब तक बनाएंगे दूसरे दिन आलू आ जाएगी। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे करेले हैं, तो अभी करेलों का सीज़न है, करेले भी नहीं आ रहे हैं इस सीज़न में। तो जब भी हम इसकी रेसिपी बनाएंगे करेले का भरवा, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये लौकी है, भिंडी है, बोदी है, खीरा और टमाटर। अभी इस गर्मी के सीज़न में तो सब्जियां ज़्यादा मिलती नहीं हैं, और जो मिलती हैं वो भी बहुत महंगी मिलती हैं। तो यही सब्जियां खरीद कर अभी हमारे घर में आया है मार्केट से। तो चलिए इन सब्जियों को हम रख लेते हैं फ्रीज में। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।